तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, और आपको पता है सभी लोगों को मैटर तो पता ही क्या होता है. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है ना, पता है ये सभी को. और तो अब देखो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं. मेरी आवाज जब थोड़ी सी अगर आए कि थोड़ी स्लो आ रही तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा और लाउडली बोल दूंगा. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मैटर की बात करें तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम एक बात करें, हमारे पास एक फोटोन है. फोटोन बेसिकली क्या होता है, फोटोन पता है क्या? सभी म्यूट कर दें, सभी स्टूडेंट नहीं तो मुझे म्यूट करना, सभी अपना ऑडियो को म्यूट करें. अरे क्लियर आएगी, बट सभी अपने ऑडियो को म्यूट करेंगे तो क्लियर आएगी ना. बाकी अब सबकी आवाज आ रही है, म्यूट करो सभी अपना ऑडियो. सारे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑडियो म्यूट करो, तो क्लास एकदम स्मूथली चलेगी. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. और ये मानते हो कि सबने म्यूट कर दिया अपना ऑडियो, किसी को दिक्कत आए तो अनम्यूट होके वो बोल सकता है, लेकिन सभी को अनम्यूट नहीं होना है. ठीक है ना, ओके चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मैटर इज व्हाट इट इज एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है ना, अब एक टर्म और आता है एनर्जी या वेव जिसको कह सकते हैं. देखो अभी भी कई लोग जो है वो म्यूट नहीं है, इसलिए वो जो भी हरकत कर रहे हैं, कॉपी भी इधर उधर कर रहे हैं तो उसकी आवाज आ रही है, तो सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो आप इसको समझो इस बात को, क्योंकि आपके दिक्कत आएगी. ठीक है, तो अब देखो इधर, तो ये हमारे पास जो है मैटर जो है, और एक टर्म आता है जैसे मान लो एनर्जी. एनर्जी जो होता है या मान लो वेव नेचर होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, उनका मास भी एक पर्टिकुलर स्पेस में आती है, उनमें कुछ और फिनोमेना होता है. ठीक है ना, तो वो एक अलग पार्ट हो गया. तो दो बातें हो गई, एक मैटर है और एक क्या है यहाँ पे अपने पास एनर्जी. ठीक है ना, दो अलग अलग बातें. ठीक है ना, हालांकि दोनों आपस में एक दूसरे लिंक है. आइंस्टाइन ने कहा था E=mc², तो मास और एनर्जी का रिलेशन दिया था, भी आपको पता ही होगा. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं. एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस के ऊपर हमने क्या कर दिया, मैटर को डिवाइड किया. कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, तो अगर हम देखें तो फिजिकल स्टेट कितने टाइप की हो सकती है, जनरली फंडामेंटल तीन होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. फिर एक आता है क्या, कुछ अब एडवांस थ्योरीज आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट. फिर फर्मियोनिक स्टेट है, न जाने और बहुत सारी बातें हैं, हमें उससे कोई मीनिंग, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेट होती है. तो प्लाज्मा सॉलिड आपको पता ही क्या होता है. ठीक है ना, जो क्या हो डेफिनेट, इसका क्या हो साइज हो, वॉल्यूम भी डेफिनेट हो. ठीक है ना, लिक्विड में क्या होता है उसका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है, और गैस में क्या होता है वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है और शेप भी इसका चेंज हो सकता है. ठीक है ना, प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है. प्लाज्मा आपको पता है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है. प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या होता है, आयोनाइज गैस पार्टिकल होते हैं. जैसे सपोज करो मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल है. ठीक है ना, सभी को पता है हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर उसमें से वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास बनेगा H+ आयन, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक ही साथ में एग्जिस्ट करे तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कौन सी स्टेट, प्लाज्मा स्टेट. तो प्लाज्मा स्टेट किससे बनी होती है, आयोनाइज गैस पार्टिकल, जिसमें ये भी हो सकता है गैस में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन निकले. ठीक है ना, तो अपने पास क्या होगा, एक आयन होगा, गैसियस आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनती है वो स्टेट कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट. और इसका एग्जांपल बताएं तो आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे या मार्केट में निकलते हैं तो आपने देखा होगा कई ऐसे दुकानें होती है जिनका नाम जो होता है नियॉन लैंप से लिखा होता है, रेड कलर का या ऑरेंज कलर का. वो जो रेड और ऑरेंज कलर है उसमें नियॉन गैस फिल होती है, वो एक डिस्चार्ज लैंप है, उसे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं या नियॉन लैंप भी बोलते हैं. उसके अंदर नियॉन गैस जो होता है वो आयोनाइज फॉर्म में होता है. आयोनाइज फॉर्म में मतलब नियॉन के में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो नियॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन है. इसका जो कॉम्बिनेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन और नियॉन का,
वो जो मिलकर जो स्टेट बनाता है वो कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट। नेचुरली ये कहां रह सकती है? जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सॉरी जितने भी स्टार हैं वहां पर हो सकता है, जैसे सन पे भी ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये कौन सी स्टेट है हमारे पास? प्लाज्मा। ये कहता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेड स्टेट, हालांकि ये अब अपने कोई काम का नहीं है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है सत्येंद्रनाथ बोस जो था उसने सबसे पहले ये बताया था, आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उसने बताया था कि हमारे पास एक और ऐसी स्टेट आती है कि अगर बोसोनिक पार्टिकल्स को बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जिसे जीरो केल्विन बोल देते हैं या -273 के नियर अबाउट जो टेम्परेचर है उसके नियर अबाउट टेम्परेचर पे जब बोसोनिक पार्टिकल को लेके आते हैं तो वो अपनी स्टेट को क्या करते हैं? सिमिलर कर देते हैं, अनआइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बनते हैं वो एक नई स्टेट डेवलप होती है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था, आइंस्टाइन को लेटर लिखा था, जो बहुत बड़ी बात है। उसी के चक्कर में बोस के नाम के बेसिस के ऊपर ही हमने उन पार्टिकल को बोसोन बोला, और आपने भी सुना ही होगा हिग्स बोसोन करके, गॉड पार्टिकल सुना है। तो जो गॉड पार्टिकल है बेसिकली हिग्स बोसोन जो है, वो जो बोसोन वर्ड है वो आइंस्टाइन बोस के बेसिस के ऊपर ये आया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मैं कुछ और लोगों को एडमिट कर देता हूं अभी। तो ये एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और ये स्टेट आ गई। अब देखो इधर, फिर हमारे पास आता है क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन में आप सभी को पता ही होगा कि केमिकल नेचर के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, मैटर को डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, एक तो है प्योर सब्सटेंस और एक है, तो है हमारे पास इम्प्योर। इम्प्योर को हम जनरली मिक्सचर बोल देते हैं, ठीक है ना, ये मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप होते हैं, उसको हमने क्लासिफाई किया एलिमेंट और कंपाउंड। और जो एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही टाइप की एंटिटी से मिलकर बने हो। जैसे मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम में पूरा का पूरा जो सोडियम है अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, एक ही टाइप के आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उनको बोलते हैं हम एलिमेंट। लेकिन अगर ये केस हो जाए किसी कंपाउंड के लिए, जैसे मान लो वॉटर, तो वॉटर जो है वो H2O से अगर मान लो कोई चीज पूरी बनी हुई है, जैसे मान लो हमने आइस ले ली तो उसमें ओनली H2O ही है, तो वो जो बनाएगा वो कंपाउंड होगा। तो ये प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें और कोई चीज हम मिक्स नहीं कर सकते। मिक्सर में क्या होता है, हम दो अलग अलग, या तो दोनों एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं, या कंपाउंड और कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CO2 और N2 या CO2 और NO2, इसका जो मिक्सर, ये इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मिक्सर। लेकिन CO2 खुद एक कंपाउंड है, NO2 भी क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये मिक्सर हो गया। तो मिक्सर के अंदर क्या होता है कि अगर हम इनके जो कंस्टिट्यूएंट या जो बनाने वाले जो कंपोनेंट है वो जो है वो अपने नेचर को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो वॉटर, वॉटर बनता कैसे है? इसका फॉर्मूला सभी को पता है, H2। अगर ये H2 की बात करें कैसे बनेगा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर हम इनको अलग अलग नेचर देखें तो हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, ये खुद एक कंबस्टिबल गैस है, और ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, जो हेल्प इन कंबशन करता है। तो ये कंबस्टिबल गैस एंड ये हेल्प इन कंबशन। लेकिन जैसे हम दोनों से वाटर बनाएंगे तो इसको हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। मतलब ये हुआ एलिमेंट की जो दो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, एक नई आइडेंटिटी डेवलप हुई और वो क्या है, वाटर की। तो कंपाउंड जो होता है एक नई आइडेंटिटी के साथ आता है, इसमें एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन मिक्सर में ऐसा नहीं होता। मिक्सर में जैसे शुगर है, अगर शुगर है वो मीठी होती है, लेकिन जैसे हमने उसको पानी में डिजोल्व किया तो वो मीठी रहती है, कंटिन्यू होती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मिक्सर के अंदर जैसे हमने शुगर ऐड किया तो शुगर की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्रेस होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, नई आइडेंटिटी नहीं बनती। इसलिए ये मिक्सर होता है और ये क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड होता है, ठीक है। तो एक दो डिफरेंस मैंने इसमें बताई थी जो ऑलरेडी आपको बताई है।
अब आ जाते हैं मिक्सर। मिक्सर के अंदर देखिए तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्या होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेटरोजीनियस मिक्सर। अच्छा होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो एक ही फेज में हो, ठीक है ना। या मान लो हम बात करें होमोजीनियस की, जैसे मान लो कि एयर की बात करें तो एयर के जितने भी कंस्टिट्यूएंटिंग जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे नेकेड आई से हो चाहे किसी और मीन से हो। तो ऐसे ऐसे हम कंपाउंड को बोलते हैं, ऐसे हम मिक्सर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ट्रू सॉल्यूशन, जैसे शुगर इन वाटर। और हेटरोजीनियस के अंदर आपको पता ही है कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। कॉलॉइड का एग्जांपल क्या है सभी को पता है, मिल्क। और सस्पेंशन का एग्जांपल क्या हो गया, सैंड इन वाटर, ठीक है। तो ये जनरल पार्ट है, ये सभी को ऑलरेडी एक बार आता ही है, तो एक बार इसको लिख दो। हाँ एक मैं क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेता हूँ, कई बार पूछा जाता है कि भाई हमारे पास जो O2 है, O2 एंड O3 ये क्या है? तो अब सभी से मैं उम्मीद करता हूं ये जवाब देंगे, बताओ O2 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो बताओ O2 क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड? एलिमेंट। और O3 कंपाउंड। अच्छा वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट O2 को एलिमेंट मानते हैं? हाथ खड़े, हाथ तो क्या क्लास की आदत पड़ रखी है। बताओ कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि O2 जो है वो एक एलिमेंट है? बताओ एलिमेंट है, कंपाउंड है। अच्छा O2 कंपाउंड है, एलिमेंट है। अच्छा O3 क्या है? मॉलिक्यूल्स है दोनों। अच्छा मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करें ना, वो तो अलग बात हो गई, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। आपको आंसर एलिमेंट और कंपाउंड के टर्म में देना है। चलो O2 जो है वो बेसिकली एलिमेंट होता है, ठीक है। O2 जो होता है वो एलिमेंट होता है। अब बताओ O3 क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड? एलिमेंट। हाँ जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैंने जब एलिमेंट को बताया था क्या कहा था, एक ही टाइप के एटम से जो बनेंगे वो क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये O2 भी एलिमेंट है और O3 भी एलिमेंट है। तो ये आपस में क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको मेलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन में क्या डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये क्या है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास एलिमेंट ही है, ये उनके एलोट्रॉप्स है। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना, उनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना O2 और O3 दोनों ही एलिमेंट है, ठीक है ना। और कंपाउंड तभी बनेगा जब दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट कंबाइन होंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए तो क्या बन गया, CO2, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो बना है ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को लिख दो, मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, कई जने लिख चुके होंगे, कई जनों ने नहीं लिखा है। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो इसके ड्यूरेशन में पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो, कोई और पहरी हो किसी भी तरीके की, तो दो मिनट दे रहा हूं, थोड़ा इसको लिखें जल्दी। चलो अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्या आता है, एक आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या
आपने सुना होगा जॉन डाल्टन के बारे में, तो जॉन डाल्टन जो इस बार जेईई मेंस के अंदर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि भाई कोई भी चीज जो मैटर जो है वो एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या है बताओ, एटम। उसके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो एटम वर्ड यूज किया, और हमारे जो ऋषि कणाद थे उन्होंने इसको कहा था परमाणु। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ लिया था, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें आपको ये सारा पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम डाल्टन्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं लिखवा रहा हूं, तो लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब इसमें देखो, इसमें पहला लॉ आएगा अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो दिया था लेवोजियर ने, है ना। अच्छा ठीक है, साइंटिस्ट का नाम अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के जो बाद में जो मास है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब वाटर में हमने इसको वाटर में जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसको यूज किया। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमने इसको ऐड किया तो क्या होगा, ये Ag और ये Cl कंबाइन होंगे और क्या बनेगा, AgCl सॉलिड। सॉलिड इसलिए, और डाउन एरो ये बता रहे हैं कि ये क्या है अपने पास, प्रेसिपिटेट। सॉल्ट में प्रेसिपिटेट को लगते हैं PPT, तो AgCl का PPT बनेगा, और साथ में जो बचा हुआ है वो कौन है, NaNO3 एक्वस। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन से पहले कौन था, NaCl था प्लस WAgNO3 था, ठीक है ना। इन दोनों का जो मास है वो WAgCl, W स्टैंड फॉर वेट, वेट ऑफ AgCl प्लस वेट ऑफ NaNO3, इनका वेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये मास क्या रहेगा इनका, कंजर्व। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। तो यहां पे लिख दो इसको, दिख रहा है ना सभी को, बोर्ड पे दिख तो रहा है सभी को। ओके ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें बताओ इसके एक्सेप्शन क्या हो सकता है, तो इसका लिखो एक्सेप्शन। कोई बता सकते हैं आप में से कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है या किस टाइप की रिएक्शंस होती है जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। एक्सोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है बट मास तो कंजर्व ही रहता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल सही कहा, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, लिखो एक्सेप्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बताओ, जो मास होता है वो डेल्टा m इंटू c स्क्वायर, ये क्या है, मास डिफेक्ट,
आइंस्टीन की इक्वेशन जो थी ना उसमें एम सी स्क्वायर था, एम इज मास, अब यहां पे क्या है मास डिफेक्ट, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के जो बाद में जो मास है उसका डिफरेंस, ठीक है ना, और वो किस में चला जाता है एनर्जी में, और ये एनर्जी लार्ज अमाउंट की एनर्जी होती है, ठीक है ना। जैसे आपको अगर कोई बोल दे कि बताओ 1 ग्राम NaCl कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये वैसे क्वेश्चन मैं जस्ट बताने के लिए है ये कि एम सी स्क्वायर है और मास ऑफ NaCl जो है वो मैंने कितना कर दिया 1 ग्राम, यूनिट हमेशा हमें SI में पुट करनी पड़ती है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1/1000 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या स्पीड ऑफ लाइट, और ये कितनी होती है सभी को पता ही है 3 × 10⁸ स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी आ जाएगी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो इसमें बेसिकली ये कहता है ये जो लॉ है ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड उनमें जो एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच कंपाउंड इज ऑब्टेन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें CO2 चाहिए, तो हमने क्या किया कार्बन और O2 इनकी रिएक्शन करवाई तो मुझे CO2 मिलेगा। दूसरा तरीका हो सकता है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको मैंने हीट करके डिकम्पोज किया और मेरे पास बना CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखते हैं, तो बताओ क्या है ये, बोलो यहां पे 12 कार्बन का मास जो होता है 12 होता है, ऑक्सीजन 16, तो दो ऑक्सीजन है तो कितना आ गया 32, और ये भी 12 और ये 32। इसका मतलब चाहे CO2 को किसी भी सोर्स से हम इसको लें, लेकिन हमेशा हमें क्या मिलेगा ये, अगर CO2 का सोर्स कार्बन और O2 से लिया या CO2 को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, दोनों केस में CO2 में एलिमेंट का मास रेशियो क्या आएगा, हमेशा डेफिनेट आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। लिखो इसको जल्दी, इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड नहीं, एक्सेप्शन क्या हो सकता है, लिमिटेशन क्या हो सकती है इसकी, लिखो लिमिटेशन। आपको बताएं कि अगर आइसोटोप अगर हो तो लिमिटेशन में लिख सकते हो इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो H2O है ना, ऑक्सीजन जो है वो उसका हमने लिया आइसोटोप 16 वाला, ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया H2O, फिर मैंने ले लिया H2O18। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं जिनमें मास जो होता है, आइसोटोप क्या होता है पता है ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है।